बघेल कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लगभग समाप्त हो गई, आप बता रहे हैं एकाध होगा, लेकिन बचत मवेशी बाजार तो करीब करीब समाप्त हो गए। तीसरी बात है, मवेशी व्यापारी जो लाइसेंस बनाते थे वो बंद हो गया, उसका कारण क्या? इसका कारण ये ठीक है, जो वो तस्करी कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई समझ आता है, लेकिन यदि किसान अपने जानवर बेचना चाहे उसको भी गो तस्कर मान के उसकी पिटाई करेंगे, उसे अवैध वसूली करेंगे, तो फिर आदमी जानवर बेचना खरीदना सब बंद कर दी। उससे हुआ क्या कि हमारे कोठे में या गौशाला में जितना जानवर रखने की क्षमता है उतना तो रख पाएंगे, और गाय को तो हर साल बच्चा जन्ना है, अतिरिक्त जो जानवर हो उसको फिर खुले में छोड़ना शुरू किए, कौन अपना जान दे खुले में होगा, तो स्थिति क्या बनी? आप दूसरा फसल लेना बंद कर दिए, एक फसल बचाना मुश्किल। और इस बात को ध्यान में देखते हुए अभी उत्तर प्रदेश में पूरा क्या रात रात दिन दिन भर खेतों की रखवाली करते हैं छुट्टे जानवर से, कहीं अन्ना जानवर कहते हैं, खुद छुट्टा जानवर कहते हैं। ये जो समस्या है पूरा राष्ट्रव्यापी है, और इस बात को ध्यान में रखते इसके हम लोग गंभीर अध्ययन किए, और इस समस्या का निदान हम लोगों ने ढूंढा, वो है गोधन न्याय योजना। गांव गांव गौठान बनाओ और जानवर की तभी देखभाल करेंगे जब पिछली सरकार ने भी गौशाला बनाई, और गौशाला बना तो क्या हुआ, जो गौशाला चलाने वाला मोटा होता गया और जो जो जानवर वहां रखे थे वो दुबले होते गए, क्योंकि चारा वो सब खा गए। तो इसीलिए हमने कहा कि गोबर खरीदी योजना शुरू करो, तो गोबर खरीदी शुरू किए, तो इससे हुआ क्या कि ये इस प्रकार की शिकायतें लगभग समाप्त हो गई आपके इस जिले में सुनाई दे रहा है, अन्यथा अन्य जिलों में इस प्रकार की शिकायतें नहीं। तो इसीलिए मैं लगातार हर जगह हर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गौठान बनाने के लिए जोर दे रहा हूँ, और किसानों से भी कर रहा हूँ, और गाँव वालों को, वो जो गौठान है वो आपकी योजना है, गोबर बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, वर्मी कम। तो ये सीधी तस्वीरें जशपुर से आपको बता रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश